नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। यह कहानी है 90 के दशक के एक ऐसे गैंगस्टर की जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा। प्रदेश का गोरखपुर जिला, यहां का रहने वाला महज 25 साल का श्री प्रकाश शुक्ला देखने में तो हीरो लगता था, लेकिन उसके कारनामे रियल विलन जैसे। तकरीबन 20 से ज्यादा मर्डर कर चुके श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी पर ढेरों फिल्में बनाई जा चुकी हैं, लेकिन एक किस्सा हमेशा अछूता रह गया। यह बात जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि 90 के दशक में जिस गैंगस्टर ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था, उसकी शक्लो सूरत के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं। सवाल था कि उसे तलाशा जाए तो किस आधार पर तलाशा जाए, वो कैसा दिखता है, कैसे चलता है, कहां जाता है, कब आता है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। आपने श्री प्रकाश शुक्ला की एक तस्वीर देखी होगी जो मीडिया में सर्कुलेट है। आपको पता है कि उस तस्वीर में सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला का है, लेकिन पूरा शरीर एक बॉलीवुड एक्टर का है। श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर राजेश पांडे ने किया था, जो कि वर्तमान में बरेली रेंज के डीआईजी हैं। एनबीटी ऑनलाइन ने जब राजेश पांडे से बात की तो उन्होंने कई ऐसे राज बताए जो आपके होश उड़ा दें। राजेश पांडे बताते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला कैसा दिखता है। यह जानने के लिए उन्होंने लखनऊ में श्री प्रकाश शुक्ला के बहनोई के घर कई बार प्रवेश की। श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर उसकी भांजी के बर्थडे पार्टी के एक एल्बम में मिली। उस तस्वीर में श्री प्रकाश शुक्ला का सिर्फ सिर दिखाई दे रहा। यह बात 1997 की। उस दौरान बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस के पोस्टकार्ड चला करते थे। श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर को अलग अलग एक्टर्स के शरीर के साथ जोड़कर देखा गया। काफी प्रयास किया गया, जिसके बाद आखिरकार बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी के शरीर के साथ श्री प्रकाश शुक्ला का सिर मैच कर गया। इसके बाद फोटो एडिट कराई गई और उसकी कॉपी निकली। कई और दिलचस्प किस्सों को जानने के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।